यहां पर शंकर जी ने समीप जाकर के परिचय नहीं किया, वहां समीप गए होते, राम जी को प्रणाम किया होता तो प्रभु को डिस्टर्ब करते। इस वक्त लीला चल रही है ना, ये दशरथ नंदन है, पर वहां भोलेनाथ जाकर के उनको प्रणाम करते विक्षेप होता। अभी लीला चल रही है, अभी नाटक चल रहा है, लीला माने नाटक। तो नाटक चल रहा हो तब जाकर के परिचय करना, आपका कोई मित्र किसी नाटक में मेन पार्ट मेन कैरेक्टर उसका है, हाँ नाटक चालू हो गया है और आप पहुंचे, उसने दो कॉम्प्लीमेंट्री पास दिए थे आपको, कहा था फोन करके कि आप और भाभी जी जरूर आना मेरा नाटक देखने, और पहुंच जाए आप सजोड़े, लेकिन लेट पहुंचे, आधा घंटा लेट पहुंचे, तब तक नाटक शुरू हो गया था और वो स्टेज पर अपना अभिनय कर रहा है, तब आप पहुंचे और पत्नी शुरू हो जाए आपकी, सॉरी हाँ भैया लेट हो गया आज, हम निकलना तो जल्दी चाहते थे, एक मेहमान आ गए थे, कैसे हो ठीक हो, अब उस वक्त यदि आप बात करना शुरू कर देंगे तो जो अभिनय कर रहा है वो भी डिस्टर्ब होगा, वो जो लोग देख रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, लोग भी कहेंगे ए चुप चुप बैठो बैठो चुपचाप बैठ जाओ, तो एक मैनर तो होनी चाहिए ना, फिर बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शंकर जी के पास ये है मैनर, इसलिए कुसमय जानी न कीनी चिनार, कथा शुरू थी गई हो तो पछी कथा में आवीने बेसी जवाय, सांभळाय ने पछी कथा नी वच्चे ले क्यारे आव्या, ઘણા બધા વખતે આવ્યા તમે તો મેલબર્ન, હારું કર્યું હારું કર્યું, ઘરે કેમ છે બધા મજા, બધી વાત સાચી પણ ચાલુ કથામાં કઈ પૂછાય એવું બધું તો વિક્ષેપ થાય ને। કુસમય જાની નકી નીચી નારી, શંકરજી સમીપ નહીં ગયે, પરિચય નહીં કિયા, કોઈ વાત નહીં કરી, દૂર સે હી સચ્ચિદાનંદ તુમારી જય હો કહે કરકે ચલ દિયે, લેકિન આનંદ સે ભર ગયે। सती ने सब ये देखा, आश्चर्यचकित हुई, कोई दो राजकुमार है तापस वेश में घूम रहे हैं, उन्हें देखकर मेरे पति इतने प्रसन्न हो गए और प्रणाम किया, मेरे पति तो देवों के देव महादेव है, सारी दुनिया इनको नमन करती है लेकिन इन्होंने नमन किया, तो वो दोनों कौन है। और फिर मेरे पति ने कहा सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो, इसमें सच्चिदानंद जैसा तो कुछ दिखता नहीं है, न सत है न चित है न आनंद है, यदि ये सत्स्वरूप होते तो सत तो सर्वव्यापक होता है, और व्यापक को वियोग किसका, ये तो किसी के वियोग में दुखी हो रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, जो व्यापक है वो तो कणकण में है, वो किसको ढूंढेगा। यदि ये चिद्रूप होते तो ये अज्ञानी की भांति तरुओं से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को देखा, पशुओं से पूछ रहे हैं अरे ओ मृग मेरी सीता भी तेरे जैसी मृग नहीं है, क्या सीता को तूने देखा है, क्या पक्षियों से पूछते कि अरे ओ कोकिले मेरी सीता भी तेरे जैसी मधुर स्वर वाली है, क्या तूने सीता को सुना है, ये पंछियों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, यदि ये चित स्वरूप होते तब तो ये ज्ञानी होते, लेकिन ये तो अज्ञानी की भांति पूछते हैं। और सबसे उपहास्यास्पद शब्द तो है आनंद, अब ये रो रहा है आंसू बहा रहा है, उसको आनंद कैसे कहें। सती के कान ने कुछ और सुना और सती की आंख ने कुछ और देखा, कान ने सुना कि यह सच्चिदानंद है और आंख ने जब देखा तो पता चला न सत है न चिद है न आनंद है। पूछा महादेव जी से नाथ सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो कहकर आपने नमस्कार किया जिनको, वे कौन है। शंकर जी ने कहा देवी तुमने नमस्कार नहीं किया, अरे ये तो मेरे इष्ट हैं,
जिसकी कथा कुंभज ऋषि अगस्त्य जी ने सुनाया। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जासु कथा जासु में मुनि ही सुनाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। जिनकी कथा अगस्त्य जी से हम सुनकर आए हैं, जिनकी भक्ति का मैंने अगस्त्य जी को दान किया, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, वही मेरे इष्ट देव श्री राम है। ये बड़े बड़े सिद्ध संत जोगी ऋषि मुनि मन को वश करके जिनका सदा ध्यान करते रहते हैं, वही सर्वव्यापक पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम है ये, जो अपने भक्तों के लिए अवतरित हुए। बार बार समझाया लेकिन लागन अवर उपदेश नहीं समझी।